हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने ऐसा केस लेके आया हूँ कि आप देखिए यहाँ से भैंस बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। लास्ट स्टेज है, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, जो स्थानीय पैरावेट्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा मना कर दिया गया। सब ने हाथ खड़े कर दिए। ऑनर ने बड़ा मुश्किल घड़ी में, जब ऑनर पड़ गया, बड़ा परेशान था। उसने सभी लोग से पूछा कि आखिर क्या करूँ। बिल्कुल अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालत में है, मक्खी भिनक रही हैं, पूँछ चला नहीं पा रही है। पिछले कई दिनों से ये भैंस बीमारी थी और कल से ये लेटी हुई थी और लेटने के बाद खड़ी नहीं हो पा रही थी, गोबर नहीं कर रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। सारे प्रयास किए, बिठाते तो बैठ नहीं पाती थी। यहाँ से किसी भी पशु का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा जो मिशन है, वो मिशन है कि जो लोग सब छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से काम को करना, जो लोग नहीं जानते उसको बताना। एक एक चीज़ बताता हूँ, करता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और बहुत सारे लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखना, दिखाना, अगर किसी का पशु इस टाइप का है उसको भी यहाँ से ठीक किया जा सकता है और वो ठीक हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए। अगर भैंस का डायग्नोसिस होगा तो भैंस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ लोग इसको किस तरीके से मिल्क फीवर समझेंगे, जबकि ये ब्याई हुई भैंस नहीं है, एडवांस प्रेग्नेंट भी नहीं है। तो ये भी लोग समझेंगे कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये सडन हुआ है, कई दिन से बीमार थी और ये इस टाइप की कंडीशन इसकी हो गई। और यहाँ से जो लोकल डॉक्टर्स द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया और कोई भी हल इसमें निकल कर नहीं आया। और फिर मुझे बुलाया गया, मैंने पूरी तरीके से एग्जामिनेशन किया, ये चीज़ों को देखा। देखो, ये मक्खी भी नहीं उड़ा पा रही, इसे पूँछ भी नहीं चला पा रही, मक्खी भी नहीं उड़ा पा रही। तो यहाँ से जब हम डायग्नोसिस करते हैं और इसका रिजल्ट, मैजिक रिजल्ट आता है, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है कि हाँ, हमने कोई अच्छा काम किया है। बिल्कुल लेटी भैंस थी, उठ नहीं पा रही थी, गर्दन नहीं रोक पा रही थी, गोबर नहीं कर पा रही थी, कई दिन से बंद था। तो फिर ऑनर को लगा कि अब यहाँ से भैंस का बचना मुश्किल है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाली है और आज फिर हम ये वीडियो डाल रहे हैं। ये पूरी आई बॉल को देख रहे हैं, हम म्यूकस मेम्ब्रेन को देख रहे हैं, सब चीज़ का बेहतरीन तरीके से डायग्नोस करते हैं कि ये कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ऑनर से पूछा, सभी लोग से पूछ के देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। ये पूरा ब्लड फ्लो देखते हैं, जुगलर वेन को देखते हैं, हाथ रख कर देखते हैं, बॉडी कोड को देखते हैं, टेम्परेचर को करते हैं, सब कुछ नॉर्मल। तो फिर आखिर करें तो करें क्या? सारी कंडीशन इसकी अलग है, बिल्कुल एनर्जी लेवल बचा नहीं है। तो हमने फिर यहाँ से पूरी तरीके से डायग्नोस किया और हमने सोचा कि ये भैंस को कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का नाम है एनर्जी लेवल इसका डाउन हो गया। देखिए, पीछे से इसको मक्खी ना लगें, उसकी वजह से ऑनर ने पीछे इसको डाल दिया। और वो ऑनर बहुत परेशान है, कहता है सर इस भैंस को बचाइए, मैं कैसे इसको करूं, इतनी अच्छी भैंस है, कैसे इसका इलाज किया जाए। ये कहानी मैं सुनाता हूँ, लोग कहते हैं ट्रीटमेंट, ये देखिए ट्रीटमेंट चल रहा है, बोतलें लग रही हैं, लगातार बोतलें लगती चली जाएंगी और दवा लगते ही लगते ये एक मैजिक रिजल्ट इसमें आएगा या नहीं आएगा, ये अभी आपको देखने मिलेगा। यहाँ से अगर कोई भैंस बचती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग हैं, जो इलाज करने वाले लोग हैं, जो इलाज कराने वाले लोग हैं, मैं उन सभी लोगों को ये कहता हूँ कि वो अपने को डायग्नोसिस को इम्प्रूव करें, सिम्टम्स को इम्प्रूव करें, पढ़ाई की जरूरी करें, बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल है उसको पढ़ा करें, और पढ़ने के बाद बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। और पढ़ने के साथ साथ आपको अच्छे गुरु के संपर्क में रहना है। जब आप अच्छे गुरु के संपर्क में रहेंगे तब ऐसे रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट आएंगे। फिर जो लेटी थी, जो भैंस बैठी थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, जिसका एनस बाहर आ गया था, तीन दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, फिर ऐसे रिजल्ट आते हैं। इससे पहले भी हमने आपको रिजल्ट दिखाया, बिल्कुल वो ठीक, संजीव की भैंस ठीक। आज ये अलग से भैंस दिखाई, ये भी बिल्कुल ठीक। ये चीज़ें हम जो डालते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा काम है कि ताकि आप लोग देख पाएँ, समझ पाएँ, वरना हमारा कोई मामला नहीं है। हम चाहते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति आ जाए, लोगों के अंदर एक भैंस पालने की रुचि पैदा हो जाए, लोगों के अंदर इलाज करने की रुचि पैदा हो जाए, लोगों का पशु पालन इतना अच्छा हो जाए कि हर साल भैंस बच्चा दे, थंदेले ना हो,
कोई पशु बीमार ना हो, इसके ऊपर हमारा काम है। पशु बीमार होता है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे इसके लिए हमको टाइमली एंटीबायोटिक टाइमली हमें देना है, पेट के कीड़ों की दवा डिवर्मिंग करानी है, टाइमली हमें इसको मिनरल मिक्सचर देना है। और ये देखिए वही भैंस है जो कुछ नहीं कर रही थी, अंतिम अवस्था को पहुँच चुकी थी और अब इनके घर में खुशी की लहर दौड़ गई और वो जो जगह खुली थी बाहर निकली थी वो भी अंदर चली गई। ऐसे केस जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आखिर हुआ क्या, हुआ क्या, कैसे बची, क्या हुआ। लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि आप आखिर करते क्या हैं। मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ डायग्नोसिस करता हूं और डायग्नोसिस के बाद ही पशु ठीक होता है। ये देखिए पशु मालिक भी बताएंगे कि क्या रिजल्ट आया, कैसे हुआ, पशु मालिक से भी हम इसमें बात कराएंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से ये भैंस को ठीक किया गया है और ये ठीक होना ही अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि पशु को ठीक किया जा सकता है डायग्नोसिस के आधार पर। अब मैं चाहूँगा कि पशु मालिक से भी आप बात कर रहे हैं, अब आपके सामने पशु मालिक। हेलो दोस्तों, नमस्कार आदाब, मैं डॉक्टर उमर खान आज एक भैंस को दिखा रहा हूँ जो अभी खड़ी तो नहीं हुई लेकिन क्या क्या परेशानी थी। पशु मालिक अपना नाम बताएंगे और फिर बताएंगे क्या हुआ था इसको। मेरा नाम बोलू बताए इसको, इसे कब्ज था जी। कितने दिन से बीमार थी ये? पिछले 3 दिनों से बीमार थी। अच्छा, कुछ खा रही थी? कुछ नहीं खा रही। पानी पी रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं। हमारी दवा लगने के बाद खाने लगी है? हाँ जी। यहाँ के स्थानीय डॉक्टर ने क्या कहा था? ये कह रहे थे बिल्कुल क्रिटिकल हालत है। क्रिटिकल हालत है, बचेगी नहीं, बचेगी, स्थिति बड़ी खराब है, बचना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है जी, बचना ही बता। अच्छा, हमारी दवा के कितनी देर बाद रिजल्ट आ गया? ये तो जी तुरंत एकदम लगते ही जो इसने खाना शुरू कर दिया। खाना शुरू कर दिया। अब आप खुश हैं? बहुत परेशान थे, देखिए मैं इसे दिखा दे रहा। ये वो भैंस थी जो लेटी थी, ये वो भैंस थी जो गोबर की जगह पूरी निकली पड़ी थी, ये वो भैंस थी जो चारा नहीं खा रही थी, पानी नहीं पी रही थी और पिछले 3-4 दिन से परेशान थे ये। इन्होंने भी फोन किया, पूछा कहाँ है, मैंने कहा दूर नहीं, पास में, दूर का नाम लेके तो शायद ही ना बुलाए कि कहीं कारोबार की बैठ ना लग जाए। मैं पास में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और दवा लगाई, ये रिजल्ट है। यही कल हमने एक भैंस देखी, वो ठीक हुई। डेली एक दो भैंस ऐसी मिलती हैं जिनको ठीक होना नहीं चाहिए था लेकिन वो मेरे हाथ से ठीक हो जाती हैं। और मेरे हाथ से ठीक क्या होती हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी कि फला इंसान है मिट्टी पकड़ता सोना हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिट्टी सोना हो जाए, ऐसा इसलिए होता है कि उसको ये हिकमत पता है, उसको ये नॉलेज है, उसको इतना ज्ञान प्राप्त है कि कौन सी मिट्टी सोना होने वाली है, वो उसी मिट्टी को पकड़ता है और सोना बन जाती है। डॉक्टर उमर खान को ये इल्म है, ये पता है कि ये भैंस ठीक होने वाली है और ये ठीक होने वाली, इसको ये दवा लगेगी। बस डायग्नोसिस किया, दवा लगाई, आपके सामने खा ली, देखो ये खा ली। यही चमत्कार है, यही चीज लोग कहते हैं चमत्कार। चमत्कार कुछ नहीं हुआ, डायग्नोसिस दवा, डायग्नोसिस दवा। वो किसान कह रहा है इतनी दवा में इतनी बहुत है, अब जाके बोलते नहीं उमर साहब हो गया इलाज, नहीं हो गया इलाज, ये तो बात नहीं। ये कह रहे थे साहब अब कुछ और कुछ नहीं होना, जल्दी खड़ी हो जाएगी, शाम को गोबर करेगी। लोगों ने तो गोबर का बंदी बताया था ये, इससे पहले कैसे ले रही थी, हाथ पैर फैलाए पड़ी थी, बिल्कुल मुंह चला रही थी। तो देखिए कल जब ये खड़ी हो जाए इसकी वीडियो बना के भेजना, और हमारा जो मिशन था वो पूरा हुआ कि ये भैंस इनको पूरी तरीके से ठीक हुई। ऐसा कोई बताएगा नहीं इतनी बड़ी बीमार, 90% बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।